खरगोन जिले में अवैध हथियार के बेचने का कारोबार जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा भी अवैध हथियार के कारोबार करने वालों पर कार्यवाही की जाती रही है। खरगोन पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर खंडवा रोड पुलिस लाइन के सामने अवैध हथियार ले जा रहे लाखन सिंह फौजी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 मैगजीन और 7 देसी कट्टे जब्त किए और पुलिस ने कोतवाली खरगोन लाया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस मौके पर एडिशनल जितेंद्र सिंह पवार, थाना प्रभारी ललित सिंह डागुर और पुलिस जवान मौजूद थे। आरोपी को पुलिस रिमांड लिया और पूछताछ की जा रही है कि कहां पर सप्लाई करता था। अभी तक की पूछताछ पर स्वयं द्वारा सिंगूर के जंगलों में अवैध शस्त्र बनाना एवं आगरा में बेचने जाने की जानकारी दी गई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक आरोपी उसमें गिरफ्तार किया सर। ये यहाँ एसटीओ की खरगोन और एटीआई खरगोन की टीम काफ़ी दिनों से लगी थी क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही थी। यहाँ जो सिंगूर गांव है वहाँ का एक सिपलीकर है लाखन सिंह फौजी जो पहले से ही अवैध हथियारों के स्मगलिंग में लगा हुआ है। इसके बारे में खबर थी कि पुलिस ने इसको मुखबिरी के आधार पर दबिश दी तो इसको पकड़ा गया और उसके साथ इसके पास हमें 7 देसी पिस्टल और 7 एक्स्ट्रा मैगजीन ये बरामद हुई है। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, इससे पूछताछ कर रहे हैं, आगे पता करेंगे कि पिस्टल वो कहाँ से ला रहा था और इसको कहाँ ले जा रहा था, इसका पूरा ट्रैक पता करने की कोशिश करें। पूर्व में सर ये गिरफ्तार हो चुका था। हाँ, पूर्व इसका है, ये जो है सिंगूर गांव का है सिकंदर फौजी, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है और इस तरह के अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।